ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना ये जियो स्टूडियो की मूवी है तो मैं उनका चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ जा तो जानवी हाँ ये अच्छा है अब करो डांस आंटी जी आप भी ज्वाइन कर लो छमक क्या चल रहा है तो आज मूवी को हम सिंह करने वाले उसका नाम है शैतान मूवी बुरी नहीं है एक्टर्स ने एक्टिंग भी अच्छी की है सॉन्ग्स भी नहीं है में, पर ना होने के बावजूद भी मूवी दो घंटे की है स्टोरी को कुछ ज्यादा को ऑर्डर देता रहता है और लड़की का बास रोक के पानी के। अपनी जगह ऐसी हिलता भी नहीं है रिएक्ट ही नहीं करता है बस स्कीम्स बनाता रहता है मन में और मूवी की एंडिंग एंडिंग वॉइस रिकॉर्डिंग से कर दी पहले की तरह मुस्करा लॉल दी एंड इज दिनिंग द बेगिनिंग इन्होंने बहुत चलाकी की है इस मूवी में उसी लड़की को ले लिया जो ओरिजिनल मूवी वश में थी ताकि कोई कंपैरिजन कर ही ना सके अब लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ओरिजिनल मूवी में लड़की ने ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है मैं कह रहा हूं कि लड़की हाथ से जा रही है ये लड़का अपने पापा को एडवाइस दे रहा है की लड़की आपके हाथ से निकलती जा रही है पर ये खुद अपने पापा को उनके नाम से बुलाता है अगर इस लड़की को इतनी फ्रीडम चाहिए तो अपने पापा से झूठ बोलने की क्या जरूरत है तो क्या ऐसे मन में लगता है की ये कुछ गलत कर रही है लड़कों के साथ जाके अगर उसे ऐसा लगता नहीं है की

होगी इसीलिए कहते हैं प्रोटेक्शन यूज करा करें बाद में <laughs> वेल एजुकेटेड तांत्रिक बॉडी शेमिंग एंड कूल सारा दिन ये बच्चा अपने बाप को समझाता रहता है बॉडी शेमिंग एंड कूल ये कुछ भी बोल रहा है उसने तो बॉडी शेमिंग की भी नहीं अजय की फैमिली हर मूवी के स्टार्ट में खुश होती है और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वैसे वैसे उदास होती रहती है ये मूवी काफी दृश्यम वाइब देती है अजय की बेटी के साथ दृश्यम में भी गलत होता है और उसे भी ट्रिप पे ही जाना होता है पर अजय नहीं चाहता होता की वो ट्रिप पे जाए हाँ आगे स्टोरी काफी डिफरेंट है इसको तो ट्रिप पे जाने का मौका ही नहीं मिलता है अगर चली जाती तो एक और दृश्यम ना बन जाती

ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए क्योंकि एक गलती आपकी जान भी ले सकती है इसीलिए सावधान रहें सतर्क रहें और देखते रहें बॉलीवुड जय हिंद आपकी बेटी शायद वनराज ने बात करते हुए कभी ये नहीं बोला कि उसकी बेटी कौन सी क्लास में है तो कबीर ने कब सुन लिया इसे ढाबे के अंदर आना ही नहीं चाहिए था कार में बैठी रहती अंदर आके भी ये नखरे कर रही है क्योंकि ज्यादातर ढाबों में तो चाय बनती ही बनती है और बहुत ज्यादा बनती है कई लोग तो ढाबे में चाय पीने के लिए आते हैं इसने तो इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर रखा है मोबाइल में और इसे नोट नोटिफिकेशन रखी है तो वो ऐसी उठा लेता जो रील्स पे वल्गर के अलावा नहीं लड़का ये खा लेता, तो इसके प्लान का क्या बनता इसे लड्डू इधर रखना चाहिए था इस लड़के से थोड़ा दूर लड़की के पास ताकि उस लड़के के हाथ वो लड्डू लगे ही ना इस लड़की को इसने वश में करने के लिए लड्डू खिलाया तो क्या ये जब पोटी करने जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा क्या रहा था वो बाय कह रहे थे इस लड़की ने झूठ बोला है कि वो बस बाय करने आया था मुझे जबकि वो इसे खाने के लिए समान देके गया है पर उसके वश में होने के बावजूद ये लड़की अपने पेरेंट्स को मूवी में सच बोलती है जबकि वो आसपास ही होता है और अभी वो आसपास भी नहीं है पर फिर भी ये लड़की अपनी माँ को झूठ बोल रही है ये समझ नहीं आया कि ये कब खुद के कंट्रोल में हो जाती है कब वश में हो जाती है कब सच बोलती है कब झूठ बोलती है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस फिश को इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत है क्या मूवी के स्टार्ट में अगर इसका बाद में कोई काम ही नहीं था डोंट ट्रस्ट डों वाइट इन्होंने इसको ये थोड़ी बताया था कि इनका फार्म हाउस कि तो इनको तुरंत शक हो जाना था ये, था इस पे। ये इनके फार्म हाउस पहुंचा, तो पहुंचा कैसे ऐसा भी नहीं है, कि ये बहुत ही आसपास है उस ढाबे के जो एक गलती से आ गया। और ये बात इन्होंने को भी नहीं बताई क्या कुछ नहीं बताया अपना ये है। बीस लगाए हैं इसने हिसाब बराबर करके छोड़ेगा बनिया है क्या तू मजाक था गुस्सा करना इसके सामने ये इसकी लड़की की फोटो देख रहा है और पहले भी लड़की को मिलने आया था और ढाबे पे भी वो लड़की से बात कर रहा था तो अब इसको सिर्फ शक नहीं होना चाहिए इसको यकीन होना चाहिए कि ये बंदा गलत है और उसे कैसे पता चला कि फार्म हाउस यहाँ एग्जैक्टली exactly. ये तो मूवी में भी नहीं दिखाया है हाँ कैरेक्टर्स को कंफ्यूज करो पर ऑडियंस को तो दिखाओ कि इसने कैसे किया ये वो गोल्ड वाला सीन ना दिखाते वो प्रैंक्स ना दिखाते पर ये तो दिखाते ये तो जरूरी इन्फॉर्मेशन है इतनी ज्यादा जरूरी है की मूवी के अंदर वाले कैरेक्टर्स भी जानना चाहते हैं हम सब ना लद्दाख जा रहे तुझे मेरे साथ चलना मेरे घर से ओके ओके तो आपका घर लद्दाख में है कुछ जरूरी बात होने से पहले ही इंटरप्ट करता है क्लीशे हर्षा नाइस nice थ्रो कैसे लोग हैं ये ये लोग अपना खाने पीने में लग गए वो बंदा कब से इनके फार्म हाउस में है पहले उसको यहाँ से निकालो ये खाना पीना बाद में हो जाएगा ये क्या बात हुई उसको इन्होंने अभी तक नहीं बोला कि यहाँ से निकलो वो बंदा खुद अंदर आके इनसे बात करता है ये लोग तो भूल ही गए थे कबीर की वाइफ ने अभी तक उसे ये तक नहीं बताया की जब जानवी झूला झूल रही थी तब वो उसे फास्टर फास्टर कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था मतलब कितनी देर तुम लोग देखते रहोगे कैसे पेरेंट्स है ये हिल भी नहीं रहे वो बंदा कब से इनको डेमो दे रहा है और ये आराम से खड़े डेमो देख रहे हैं जैसे कोई शो देखने आयो ये दोनों जिस

पहली बार होगा मैंने किसी को चाय पत्ती खाते हुए देखा है। किसको खाने में ज्यादा मजा आता है अगर किसी को बताया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि प्रैंक तो नहीं है मेरी बेटी का हाँ या, ये भी हो सकता है की विमल खाने का टाइम हो गया हो। अगर एक्चुअल में ये प्रैंक निकलता ना मूवी के एंड में सब तो इससे बड़ा प्रैंक हो ही नहीं सकता था जब तक जानवी पूरा का पूरा पैकेट खत्म नहीं कर देती तब तक ये बंदा हिलता नहीं है कुछ बुरा

के पास तो कोई एड्रेस भी नहीं था तो इन्होंने इनका एड्रेस पता कैसे किया इसकी फोन की लोकेशन को ट्रेस किया गया इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत मिस कॉल से के जानवी को वनराज ने एग्जैक्ट क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी ये मूवी में दिखाया नहीं है ये लोग जानवी को डांस करते हुए दिखा सकते हैं इतनी देर अभी आना है वो सीन पर जरूरी चीजें मिस कर रहे हैं मूवी में इस पुलिस वाले को इतनी पास से जानवी दिखी नहीं जादू भी शायद ऐसे ही बात किया करता था कि कुछ और था ओ जिस हिसाब से ये लोग पूरे सीन में एक्ट कर रहे थे पुलिस वालों को तो पक्का शक हो जाना चाहिए था इन पे। पहली बार होगा इतिहास में कि, कि किसी ने पुलिस वालों का टाइम वेस्ट किया हो और फिर भी वो ऑफर की हुई ब्रांडी को छोड़ के चले गए ये तो कभी हो ही नहीं सकता पुलिस वाले बोतल ले जाते हैं पूरी इतना टाइम स्पेंड करने के बाद बस खुलासा होने से पहले निकल जाते हैं क्लेश है फोन को तो इस मूवी में पूरा खिलौना ही बना दिया फेंकने पर पूरे ही बिखर जाते हैं आजकल के खिलौने भी इतना नहीं बिखरते हैं ये पुलिस वाले मिस्कल्स से के आए थे वो भी बारिश में वो भी बाइक पे काश एक्चुअल में ऐसे पुलिस वाले काम करने लग जाए तो कमाल ही हो जाए अगर इसे इनसे पैसे चाहिए होते तो कब का यहाँ से निकल जाता ये पैसे लेके अब तक बैठ था थोड़ी इधर इन्होंने घर की एंट्रेंस गेट के सामने बिल्कुल सामने मिरर क्यों लगा रखा है ऐसे तो मत ही करो मैं तमाम दिस डिल्यूजनल रात कुछ नए ऑफ है अब उसको और जादू नहीं देखना है बेचारा कब से जादू देख रहा था इसका बिना किसी एक्सप्रेशन के बेचारा डांस करने के लिए कोई ढंग का गाना तो लगा लेती जानवी हाँ ये अच्छा है अब करो डांस आंटी जी आप भी ज्वाइन कर लो छम छलव हम तरह थे स्टॉप कॉलिंग योर डैड नेम प्लीज सब कुछ वेस्टर्न मतलब यार इंडिया में क्या कमान जवान लड़कियों डू डू इट इट काश लोगों को ऐसे जिम ट्रेनर मिल पाते जानी, पानी गिरा दो मुंह के अंदर ही गिरा देती उसने ये तो नहीं बोला कि जमीन के ऊपर ही गिराना है इंस्ट्रक्शन तुम्हारी बहन नीचे पार्टी करके थक चुकी है ब्रो सही में इसको अभी भी पार्टी चाहिए इस सब के बाद भी क्या होगा इस देश का ये हमारे देश की यंग जनरेशन है इतना सब कुछ होने के बाद तो लोगों को शांति चाहिए

कि ये थकी भी है बिल्कुल भी अभी तो इसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए थी जैसे पूरी थक गई हो इसे तो पूरा नींद में होना चाहिए था अभी इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी देखो अब जानवी ने चाकू नहीं मारा जबकि उसने इसको बोला था कि जो भी नीचे आए उसके चाकू मार देना तो मूवी में दिखा रहे हैं की जानवी चाहे तो खुद को कंट्रोल कर सकती है तो फिर बाद में ये अपने भाई को ऊपर से फेंकते वक्त बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं करती है हाँ ये मत कहना की इसका वशीकरण तेज होता रहता है जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है पर अभी काफी टाइम हो गया तो इन्हें ये दिखाना नहीं चाहिए था कि ये खुद को कंट्रोल कर पा रही है और जब इसकी मम्मी इसे चाकू छीन लेती है है। तो ये अपनी मम्मी को पीछे क्यों खींचती है वो तो इसे कुछ ऑर्डर नहीं देता है ये कबीर बेफालतू इस सीन में ऊपर से नीचे आने के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहा है हाँ बाद में हमें दिखाते हैं कि ये जब नीचे आता है इसके मोबाइल से लोकेशन भेजता है पर ये काम तो ये शेर से नीचे आके भी कर सकता था किसी का ध्यान नहीं होता इस पे आराम से चोरी छुपाई ये सब काम कर सकता था जो ये करना चाहता था कबीर की बीवी अकेली ने इन दोनों को एक साथ संभाल लिया है और इसको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई इन दोनों को संभालने में ये भी समझ नहीं आ रहा की ये वही औरत है जिससे अपनी बेटी संभाली नहीं जा रही थी कुछ टाइम पहले पकड़ के रखना था बस उसे वो भी नहीं हो रहा था इससे और अब ये दोनों को ऐसा संभाल रही है बिना किसी हेल्प के ये दोनों ईजिली संभाल सकते थे अगर चाहते तो इन दोनों को इन दोनों ने कभी ट्राई ही नहीं किया जानवी को पकड़ के रखना कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था कबीर बाहर टार्जन टारजन खेल रहा है बीवी अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू खेल रही है ये कुछ ज्यादा ही डब्ल्यू डब्ल्यू देखते ही लगता है सारे मूव याद करके रखे हैं इसने तो क्या ये इनका प्लान था कि अजय बाहर से आएगा और ये दोनों को डिस्ट्रैक्ट करेगी मतलब अजय को विश्वास था कि ये इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है एक साथ इस सब में कबीर की बीवी की जान भी जा सकती थी बहुत ही बेकार प्लान था यहाँ सिर्फ

बाद भी जानवी को बचाने का अगर ये दोनों चाहते तो इस लड़की को इधर बंद करके रस्सियों दरवाजा ही नहीं टूटा है कितना टाइम हो गया और ऐसे कौन दरवाजा तोड़ता है इतना ज्यादा धीरे से तो दरवाजा खड़काता तक नहीं है ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं कहा भागे बताओ ये बताओ कहा भागे भाग तो हो जाएगा ये पहले तो इतनी ज्यादा जल्दी में थी ध्रुव को मारने के लिए अब ये इतना टाइम क्यों ले रही है ये कबीर पता नहीं क्या कर रहा है कभी ये नीचे से ऊपर जाता है कभी ऊपर से नीचे आता है फायदा कुछ भी नहीं होता अपने भाई ध्रुव को जान से मार वनराज ने इसको ऑर्डर दिया था अपने भाई को मारने का पर इसका भाई तो अभी तक जिंदा है इसने अपना काम खत्म ही नहीं किया तो ये आ नहीं रही है इसे मारने ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई और ऑर्डर दे दिया जानवी को हमेशा हमेशा के लिए इन्होंने मजबूरी में इसके साथ भेजा है अपनी इच्छा से नहीं भेजा है और अगर इसको इन्हें मजबूरी करना था और ऐसे काम चलता था इसका तो ये कब का इन्हें मजबूर कर सकता था इतना ज्यादा टाइम लगना ही नहीं था इसका पहले ही ध्रुव के ऊपर चाकू रख देता इन्होंने मां नहीं जाना था चाहे इन दोनों को रस्सियों से पूरी मुंह में बांध के रखता इधर इसने काले जादू के लिए हवेली बना रखी है तो किसी को पता नहीं होगा इस हवेली के बारे में हाँ हाँ तो नहीं लड़कियां जमा करके रखी है इसने हाँ, बस को ही आखिरी लड़की होना था इसके प्लान को वर्क करने के लिए इसके मोबाइल से तो बहुत कुछ कर सकता था पर इसने सिर्फ लाइव लोकेशन ही सेंड की थी बस कबीर सीधा नंबर डायल करके इधर टैप करता है और सीधा मैसेजेस खुल जाते हैं जबकि वहां पे कुछ था भी नहीं टैप करने के लिए और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा कि मोबाइल के अंदर कोई वीडियो

साथ भारी पड़ रहा है जो पहले कुछ भी नहीं कर पा रहा था नाम कबीर है तो एंड में कबीर सिंह तो बनाएंगे अब याद आया है इन लड़कियों को कि वनराज को बचाना है जबकि वनराज ने ने इन सबको दी हुई थी कि अगर किसी ने उसे हाथ भी लगा दिया तो वो उसे नोच के कच्चा खा जाएंगे पर कबीर ने तो इसे मारा भी और उसकी जीप भी काट दी फिर इसकी जीप को आग में फेंक दिया और ये लड़कियां अब जाके कबीर के पास आ रही है कबीर के पास क्या सही में इतना टाइम था लैपटॉप पे ये सब करने के लिए इन्होंने ये एंड में बहुत ही आसानी से इसकी जीप काटते हुए दिखाया इसे पर ये कोई इजी टास्क नहीं था ये सारी लड़कियां बस उसकी वॉइस के साथ जुड़ी हुई थी बस उसकी वॉइस के साथ मूवी देख के तो ऐसा लग रहा था कि लड़कियां उसके साथ जुड़ चुकी हैं सिर्फ उसकी वॉइस के साथ नहीं ये पुलिस वाले कबीर को बता रही है कि काफी सारे केसेस फाइल हुए थे और ज्यादातर केसेस तो इनके पास ही है। इन्हें पता था कि कोई एक बंदा लड़कियों को जाके उनके घर से उठा रहा है उनकी माँ बाप की परमिशन लेके पर फिर भी ये बात इन्होंने अपने तक की रखी ऐसी बात तो न्यूज में दिखानी चाहिए थी इन्हें ताकि लोग अवेयर हो और इतनी सारी लड़कियां किडनेप हुई है पर एक बार भी पुलिस वालों ने उनके माँ बाप से उस बंदे का स्केच ड्रॉ करवाने की कोशिश ही नहीं की स्केच बनवाने से बहुत

एट बॉलीवुड सेंस तो मिलते हैं अगली वीडियो में टू वन बोरी यू टू एन